पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है इसको सर्वप्रथम यूनान में पाइथागोरस ने इसको बताया था इससे पहले हमारे भारतवर्ष के जो वेदकालीन हिंदू थे वो भी इस प्रमेय से परिचित थे बौधायन ने सन अठा आठ सौ ईसा पूर्व में इसका परिचय दिया था भास्कराचार्य ने भी इसका प्रमाण दिया है अपने समय में जो महागणतज्ञ थे महान हमारे पाइथागोरस में ये है क्या पाइथागोरस में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग फल के बराबर होता है ये हम चित्र देख रहे हैं इसमें एक समकोण त्रिभुज है ये जो दिखाई पड़ रहा है ये समकोण त्रिभुज है इसका ये वाला कोण समकोण है नीचे वाली जो ये भुजा जिस पर हम पॉइंटर चला रहे हैं एक कर्ण है कर्ण पर बना हुआ वर्ग ए दिया हुआ है शेष भुजाओं पर बने हुए वर्ग एक ए वर्ग बना हुआ है दूसरी भुजा पर ये दोनों एक वर्ग बना हुआ है एक कर्ण पर बना हुआ वर्ग यदि हम जो हमारा जो शेष भुजाओं पर दोनों जो वर्ग हैं ये जो हम वर्ग देख रहे हैं इसके हम चार बराबर इस तरीके से यदि हम पार्ट कर दें और इन पार्टों को नीचे वाले वर्ग के चारों कोनों पर लगा दें और इसके बाद में इस भुजा पर जो बना हुआ जो वर्ग है इसको बीच में यदि हम एडजस्ट करते हैं तो इस पूरे भाग को दोनों इसके टुकड़े और ये पूरे इसी में समा जाते हैं इससे देख करके ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज इस पर जो करा जो कर्ण पर बना हुआ जो है वर्ग है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है क्योंकि वो पूरा अपना भाग जितना भी उसका हिस्सा है इस वर्ग को घेर लेता है कोई भी भाग इसका शेष नहीं रहता है इससे सिद्ध हो जाता है कि इस पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है इसका सत्यापन हम गढ़ती ढंग से करते हैं इस चित्र में का खा गा एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण का जो खा का गा ये समकोण है इस समकोण त्रिभुज का कर्ण खा गा है जो इस समकोण त्रिभुज की जो शेष भुजाएं हैं वो काखा और कागा काखा भुजा पर बना हुआ वर्ग का खा घा जा है कागा भुजा पर बना वर्ग का गा ठा टा है जो हमारा कर्ण है इस पर बना हुआ वर्ग खा चा घा गा, गा है पाइथागोरस में से हमें सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण पर जो बना हुआ वर्ग है जो जो शेष भुजाएं हैं इन पर जो बने हुए वर्ग हैं इनके योग के बराबर होता है अब हम इसको देखते हैं कि ये हम वर्ग देखें छा खा का जा इस वर्ग में छा खा का एक कोण जो दिखाई पड़ रहा है ये नब्बे अंश का है क्योंकि एक वर्ग का कोण है ये हम वर्ग देख रहे हैं इसमें भी कोण गा खा चा ये नब्बे अंश का है ये भी एक इस वर्ग का कोण है यदि हम इसमें इसको सम्मिलित कर ये जो हमारा कोण दिखाई पड़ रहा है ये वाला इसको यदि हम सम्मिलित करते हैं तो पूरा ये कोण ये जो कोण है पूरा इस कोण के बराबर होगा इधर वाले के क्योंकि ये दोनों में सम्मिलित है इसलिए उपत्त्य हमने छा गा और का चा को मिला दिया इस खाचा के समानांतर का बिंदु से मां को मिलाते हुए काना रेखा खींची अब हम इन त्रिभुजों में लेंगे एक त्रिभुज यह दिया हुआ है एक ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज छा खा गा त्रिभुज यह त्रिभुज जो दिखाई पड़ रहा है का खा चा अब इन त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि कोण छा खा गा बराबर है यह जो कोण दिया हुआ है छा खा गा कोण छा खा गा बराबर कोण का खा चाके ये हमें ज्ञात है ये हम पहले बता चुके हैं किस तरीके से बराबर है दोनों ये कोण इस कोण के बराबर हो गया अब हम इन त्रिभुजों में लेंगे इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर है ए भुजा ए भुजा दी हुई है और इसकी ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की ए भुजा और इस त्रिभुज की ए भुजा दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि एक ही वर्ग की भुजाएं हैं दोनों एक ही वर्ग की भुजाएं हैं तो छाखा बराबर का खा ए कोण इस कोण के बराबर हो गया ए भुजा इस भुजा के बराबर हो गई दोनों भुजाएं बराबर हो गई ये त्रिभुज जो है दोनों सर्वांग सम हुए माने त्रिभुज है दोनों सर्वांग सम है कि त्रिभुज छा खा गा ये सर्वांग त्रिभुज का खा चा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज <laughs> दोनों जो है सर्वांग समभुज है अब हम ये देख रहे हैं कि जा का खा ये नब्बे अंश का है क्योंकि इस वर्ग का कोण है खा का गा ये नब्बे अंश का है क्योंकि यह समकोण है इससे जा का गा एक सरल रेखा हुई एक कोण जा का खा और गा का खा दोनों नब्बे अंश के हैं इसलिए जा का गा जा का गा एक सर रेखा है जा का गा एक सर रेखा है अब हम देखें कि ये दोनों रेखाएं ये समानांतर रेखाएं हैं ये त्रिभुज जो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है इस आधार पर बना हुआ है एक ही आधार ये जो बर्ग है जो हमारा वर्ग और ये त्रिभुज दोनों ये जो हम बर्ग दिखाई दे रहे हैं हम पॉइंटर से इसको ये वर्ग और ये जो त्रिभुज दोनों इन दोनों समानांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित हैं इसलिए जब दोनों एक ही आधार पर स्थित होते हैं दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में होते हैं वर्ग और त्रिभुज तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जो हमारा त्रिभुज है त्रभु छा खा गा त्रभु छा खा बराबर एक बटे दो बर्ग जो बर्ग दिया हुआ है छा जा का खा त्रिभुज बराबर होगा एक बटे हो दो इसके इसी तरीके से जब ये इसके बराबर हो गया इसी तरीके से ये दोनों ये बना हुआ है वर्ग त्रिभुज जो छाका का एक बटे दो वर्ग छा जा काका के हो गया अब ये जो हमारा आयत है हम देख रहे हैं इसी में ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं ए और ए, ए रेखा और ए, ए वाली रेखा ए वाला त्रिभुज जो ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है का खा चा ये त्रिभुज ए वाला त्रिभुज और ए वाला खा मा ना चा ए आयत इन दोनों समानांतर रेखाओं और इस आधार पर दोनों स्थित हैं जो हमारा ये आधार दिया हुआ है इस त्रिभुज का भी ये आधार है और इस आयत का भी यही आधार है जब त्रिभुज और आयत एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं तो जो त्रिभुज है त्रिभुज का खाचा ये बराबर होगा एक बटे दो तो आयत है खा मा ना चा ये त्रिभुज एक, एक बटे दो वर्ग ये वाला जो त्रिभुज है ए बराबर है एक बटे दो वर्ग इसके जो त्रिभुज दिया हुआ है ए बराबर है एक बटे दो आयत इसके ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं इसलिए एक बटे दो वर्ग छाजा का खा एक बटे दो आयत के आयत है ये आयत खामा नाचा दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ये वाला वर्ग और ये आयत दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं इसलिए वर्ग छा जा काखा बराबर आयत खा मा नाचा ये वाला वर्ग ए वाला जो हमारा वर्ग है वो ए जो हाइथ दिखाई पड़ रहा है इस हाइट के ये बराबर हुआ इसी प्रकार इसी प्रकार हम खा और ठा को ये मिलाए इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दें से इसको इसको मिला देते हैं और इसको मिलाने के बाद ये मिला दिया और इस भुजा को इस भुजा से मिला देते हैं का बिंदु को एक घास मिला देते हैं तब त्रिभुज और एक हो जाएगा त्रिभुज तो इसी प्रकार जैसे हमने पैसे इसको सिद्ध किया है इसी प्रकार हम इसको इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर और इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम सिद्ध कर सकते हैं कि वर्ग का गा ठा टा वर्ग ये वाला जो वर्ग है का गा ठाटा बराबर ये जो आयत है मा ना घा गा, गा। ए वर्ग इस आयत के बराबर हो जाएगा इसी प्रकार जैसे हमने इसको किया है इसी प्रकार ए वर्ग इस आयत के बराबर होगा अब देखिए वर्ग छा जा काखा ये ए वाला वर्ग बराबर आयत खामाचा इसके बराबर है वर्ग कागा ठाटा ए वाला वर्ग बराबर माना घाका इस वाले आयत के बराबर है यदि इन दोनों को नंबर एक और नंबर दो यदि हम इन, इन दोनों को जोड़ दें यदि हम इसको इसमें जोड़ दें तो वर्ग जो दिखाई पड़ रहा है छा जा का खा ए वाला वर्ग प्लस मान इसको इसमें जोड़ दें इस, का गा टाठा ए वाला वर्ग इन दोनों वर्गों का योग आयत खामा मा नाचा जो हमारा दिया हुआ है खा मा नाचा जोड़ेंगे इसमें मा ना घा गा, गा ए वाला देखिए जोड़ने पर बर्ग छा जा का खा प्लस बर्ग का गा ठाटा का गा ठा टा ये बराबर होगा इसमें हमने इन दोनों को जोड़ दिया इस वर्ग को और इस वर्ग को जोड़ दिया तो ए वर्ग जो ये दिया हुआ है ए आयत और ए आयत इन दोनों को जोड़ेंगे खा मा ना चा प्लस मा ना घागा इधर देखिए खा मा नाचा ये दिखाई पड़ रहा है खा मा नाचा ए प्लस मा ना घागा मा ना घागा इसमें हम देख रहे होंगे यदि हम दिन को दोनों जोड़ देते हैं तो देखो पूरा वर्ग आ जाता है ए वाला आयत ए वाला आयत मिलकर के पूरा वर्ग हो गया तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वर्ग खा चा घा गा, गा। बराबर वर्ग खा चा घा गा, गा अब देखिए वर्ग छाजा का खा प्लस वर्ग कागा ठाटा ये बराबर हो गया वर्ग खा चा घागा यही हमारी पाठावर्ष में है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग जो कर्ण पर हमारा बना वर्ग है खाचा घागा ये बराबर होगा शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के इस भुजा पर बना हुआ वर्ग है छाजा काका और इस भुजा पर बना हुआ वर्ग है कागा ठाटा तो इन दोनों का जोड़ इस कर्ण पर बने हुए वर्ग के बराबर हो गया अतः इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं वर्ग छाजा काखा या काखा वर्ग या काखा वर्ग प्लस इस वर्ग को वर्ग कागा ठाटा को हम लिख सकते हैं कागा वर्ग बराबर इस वर्ग को वर्ग खाचा घागा को हम लिख सकते हैं खा गा वर्ग इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा काखा वर्ग जो हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है इसका काखा वर्ग प्लस कागा वर्ग बराबर खागा वर्ग इससे सिद्ध होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है यही ये इसका सत्यापन है ये गणित सत्यापन किस तरीके से इसको किया है कि यह वर्ग जो इससे सिद्ध होता है कि खागा वर्ग काखा वर्ग प्लस कागा वर्ग के बराबर होगा यह को हम इस तरीके से सत्यापन करते हैं